सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। पकड़ नहीं है, एक पिता पुत्र और पति पत्नी के बीच आपस में कुछ मतभेद चल रहा था। उसी में गांव के दो चार लोगों ने हंसी हंसी में कह दिया कि नहीं, इसे कोई नहीं बोलेगा और ऐसी हुक्का पानी बंद करने वाली बात तो नहीं आई। अभी पूछ भी रहे थे, जांच सर की है तो क्या पाया गया? जांच में पाया गया कि कुछ गांव दो चार लोगों ने पंचायत करके ऐसे हंसी हंसी में कह दिया, भाई अगर ये नहीं आ रहे हैं, नहीं समझौता कर रहे हैं तो इनसे न बोला जाए। तो ऐसी कोई बात अब आज आने पर ये भी स्पष्ट हुआ कि नहीं, वो गलती से मुझसे निकल गया था, ऐसी कोई बात नहीं। सब लोग प्रेम भाव बना कर रहेंगे, आपस में सौहार्द वातावरण में रहेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं। वो मुकदमा कर दो, पत्नी हो ही तो कोर्ट, पत्नी हो कोर्ट पोषण भत्ता तय कर देगी, कोर्ट ही तय करेगी, जितना उसकी आमदनी होगी कर सकती है, जितना उसका सिलाई कढ़ाई से पैसा आता है उसका आधा पैसा तो मिल जाएगा, जो भी कोर्ट से डिसाइड कर दे। अरे उसके लिए नियम कानून तो बता दिए, इस तरह कोई मामला प्रकाश ना आए। दलित परिवार का ही था, उसी का पिता उसी के बच्चों को मालूम नहीं रख रहा था, तो उसका फरमान यहाँ की गांव की जनता ने कर दिया। आज के इस कानून के दौर में अगर देखा जाए, संविधान जो बना हुआ है, संविधान के सामने क्या कोई पंचायत काम करेगी? पंचायत का मतलब ये था कि वो केवल रख ले इनको और इनके संग कोई बगावत न करेगी। पंचायत का काम तो राजीनामा ही करा रहे थे, मुनादी करा के एक तरह का फरमान जारी किया गया कि इसका गांव में रहना सहना सब, उसको भी पंचायत में बनवाया लोगों ने, लेकिन वो आया नहीं तो लोगों ने अपना पंचायत का फैसला इस ढंग से ले लिया। लेकिन मान लो उसमें हम जोर से बोलिए रद्द किया जाता है या जो भी कहना हो, मतलब रोकथाम सब बंद है। वो तो कह दिए, कितनी बार कह लो, जो कहा है उसको करना भी है, दोनों चीज में उसमें अंतर नहीं दिखना चाहिए। कुल मिलाकर के जो आप लोगों ने कहा है ये हम लोगों ने मान लिया, बात कर रहे हैं नहीं, इसमें तमाम लोगों ने प्रेस में, तमाम लोगों ने ये कहा, प्रेस में बयान दिया है, आपकी बात हम नहीं मान सकते, प्रेस में तमाम लोगों ने कहा है कि नहीं। आज भी प्रेस वाले आए थे, हाँ, उन्होंने हमसे ही बात की, मैंने यही कहा कि इनको रखिए, यही बस रखने को कोई परेशानी नहीं किसी को। अच्छा प्रधान जी, अगर नहीं रखेंगे तो आप क्या जबरदस्ती जाके रखवाएंगे? मैंने साहब बताया ना कि पंचायत में फैसला मैंने नहीं लिया है, मैं तो बैठा जरूर था, और अरे आप ये सब काम है पंचायत का, काम है सुझाव देना, मानते हैं तो ठीक है, नहीं जिसको कष्ट हो वो जाए न्यायालय। तो ये न्यायालय के लिए कर रहे हैं, जाते रहे हैं, लेकिन करते काफी लोगों के बयान है और अब आए बोले ना बता दें, अब तो हम लोग भी सही होता तो मैं बोलता साहब, उसमें सही था ही नहीं तो मैं तो मालूम बैठा था। इस बात को बोलने में इतना घुमा क्यों रहे हो? पंचायत ने जो किया वो सही किया, आप ये नहीं किया सही, मतलब आप पंचायत का इसका मतलब नहीं मानते ना, पंचायत की बात गलत थी ना, पंचायत की बात सबको मानता है ना, पंचायत करते हैं मान लो वो तो आना पड़ता है, मान लो बुलाते हैं तो आना पड़ता है। दिमाग नहीं है बच्चे ने बताया, अरे वो कहानी ने बताई क्या जो हुआ वो सही है कि गलत, जो भी बोला गया गलत बोला गया कि सही बोला गया, आप उसी पे कायम है या वो बात आई गई खत्म हो गई? नहीं, वो गलत बोला गया सर, और उसमें इतनी कमी थी, जैसे पंचायत बुलाई गई थी तो समझौते के लिए बुलाई गई थी, समझौते के लिए, और उसमें इतना डिसीजन हो गया समस्त ग्रामवासियों से कि उसे जो फरमान जारी कर दिया वहाँ उतनी मिस्टेक हो गई पंचायत के द्वारा, मिस्टेक हुई ना, ये मानते हैं कि नहीं? फरमान हमें नहीं कहता, पर फरमान कानून चली जा सकते थे, अगर ये पंचायत की समझौता यहाँ नहीं हो सकता था, आगे अपना कानून का सहारा ले सकते। अच्छा जो भी कहा गया था
वो जात के नाते कहा गया था या एक आत्मीयता के नाते कि अपने गांव के हैं, गांव के नाते जो वार्तालाप हुआ था गांव के नाते, तो फिर ये मीडिया में जाति शब्द क्यों आ रहा है? कोई तो बोला होगा यहाँ से, जाति शब्द का यहाँ किसी ने भी नहीं, किसी ने तो बोला होगा तभी तो आ रहा है, ऐसे कैसे आ सकता है? पंचायत के दौरान मीडिया से तो आएगा नहीं, पंचायत के दौरान पंचायत के दौरान वहाँ कोई मीडिया नहीं थी उस दिन, उसके बाद जो बोला वही तो हम कहलवाना, जब पूरा गांव इकट्ठा था तुम बताओ वही तो बोला होगा, यही बता दे कि दलित दलित किसी ने नहीं कहा, ये सब दलित को बाहर कर दो, हलनाथ के बाहर कर दियो, धरातलक को नाम नहीं आओ, तब ये तो आरोप लगाने वाले तो यही है, बस हलनाथ हलनाथ की हलनाथ का हुक्का पानी बंद कर दो, किसी ग्राम ने जाति शब्द का किसी ने कुछ नहीं कहा भाई, यही होगा हरिनाथ का और ये क्या नाम है इनका, इनका नाम हजारी लाल का, इनका हुक्का पानी बंद करो। एक बार सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।